पीछे जो इतना बड़ा डंपर आप देख रहे हैं, ये कोई यारू खान नहीं चला रहा बल्कि थर पारकर की खवातीन चला रही है। ये कोई आसान बात नहीं है, इधर से बैठना भी आसान नहीं है। क्या बात है जी? और इसमें हम बैठे हाँ। और क्या वो खातून डंपर चला रही थी हाँ। और ना सिर्फ चला रही थी वो हाँ। रोजाना 8 घंटे इस इतने बड़े पावर प्लांट पर डंपर चलाती है हाँ। जितने किलोमीटर उनकी सर्विस होती है वो देती है हाँ। रोजाना ये कोयला इसमें डाल के लेके जाती है। वो काम जो दिल से कर रही है, कहते हैं ना कि खवातीन ये काम नहीं कर सकती, वो काम नहीं कर सकती। आई डोंट बिलीव, मुझे लगता है खवातीन हर काम कर सकती हैं। हंड्रेड्स ऑफ टन्स का जो कोयला लेके जाना ये एक आसान टास्क नहीं है। हम एक गाड़ी चलाते हैं तो कितना कॉन्शियस होते हैं, तो इनके लिए और ये हम समझते हैं हम बहुत कॉन्फिडेंट खवातीन हैं जी, शहरी खवातीन हैं। नहीं, ये हमसे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं। इतना बड़ा डंपर उठा के लेकर जाना, और मेरे जैसी खातून जो कि ज़रा सी ट्रैफिक ज़्यादा हो जाए तो वो घबरा जाती है, तो वो जब देखती है इनको ये करते हुए तो इट्स अ होलसम एक्सपीरियंस फॉर मी टू वॉच, और मेरी बेस्ट विशेस इनके साथ हैं। मेरे पीछे जो इतना बड़ा डंपर आप देख रहे हैं, कोई यारू खान नहीं चला रहा बल्कि थर पारकर की खवातीन चला रही है। माशाल्लाह से क्या बात है कि थर पारकर की जो खवातीन है, इतना बड़ा ये डंपर है जो कि बाहर से इंपोर्ट किया गया और ये खातून चला रही हैं। भाई यहाँ तो कराची में आप कार नहीं चलाती, जो जितनी भी जो खवातीन है किसी को ठोक देती हैं, लेकिन यहाँ की थर पारकर की जो खवातीन है भाई बड़ी ज़बरदस्त है भाई चलाने में गाड़ी, इतना बड़ा डाला लेके। भाई ये मैं इस वक्त यहाँ पर मौजूद हूँ, जो थरकोल का एक बड़ा मंसूबा है, इस मंसूबे के ऊपर 25 खवातीन जो है वो काम कर रही हैं, यानी कि 25 खवातीन का यहाँ पर काम करना एक बड़ी खुशाइन बात है। यानी कि वो खवातीन जिनका कहा जाता है जी कुछ कर ही नहीं सकती, ओ भाई खवातीन आपकी क्या कर रही है मैं आपको बताऊँ, 2600 मेगावाट बिजली जो है वो इन खवातीन से चल रही है आपकी, यानी कि पूरे मंसूबे को वहाँ से वो उठाती हैं, जो कोल है आपका जो कोयला है वहाँ से उठा कर वो सामने की तरफ लेके जाती है। सारा खवातीन यहाँ पे चला रही होती है, डंपर चला रही हैं, बड़े बड़े डंपर। क्या बात है भाई, खवातीन को सिर्फ मौका मिलना चाहिए। ये खातून एक रिपोर्टर है मेरे ख्याल है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैं कोशिश करता हूँ इससे बात करने की। आप सिर्फ देख रही हैं, आप चला नहीं रही? मैं चलाना तो नहीं जानती, गाड़ी चलाना जानती हूँ, बट मैं बैठी हूँ इसमें अभी हुँ? और यकीन मानिए मुझे इतना फखर महसूस हुआ है, मुझे इतना अच्छा लगा है बींग अ वुमेन, कि यहाँ पर हम हमेशा क्या सुनते हैं थर की कहानियाँ, थर में भूख है, अफलास है, थर में बच्चे भूख से मर रहे हैं। देखिए वो भी एक पिक्चर है, लेकिन ये भी एक पिक्चर है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जहाँ पर काम हो रहा है, ये वो थर की खवातीन है, और जिस तरीके से इनको ट्रेनिंग दी गई है ये कोई आसान बात नहीं है, इवन इसे बैठना भी आसान नहीं है। क्या बात है जी? और इसमें हम बैठे हाँ। और क्या वो खातून डंपर चला रही थी हाँ। और ना सिर्फ चला रही थी वो हाँ। रोजाना 8 घंटे इस इतने बड़े पावर प्लांट पर डंपर चलाती है हाँ। जितने किलोमीटर उनकी सर्विस होती है वो देती है हाँ। रोजाना ये कोयला इसमें डाल के लेके जाती है। गर्मी में जून जुलाई के मौसम में कोई भी हो, मतलब बारिश हो, तूफान हो, गर्मी हो, सर्दी हो, कोई मौसम हो, ये उनका काम है। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये उनका प्यार भी, वो जिस तरह मुझसे बात कर रही थी ना, कह रही थी घर का काम करना मुश्किल लगता है अब हमें, क्या बात है? रोटी पकाना, सालन पकाना मुश्किल काम है, ये काम आसान है हाँ? वो काम जो दिल से कर रही है, कहते हैं ना कि खवातीन ये काम नहीं कर सकती, वो काम नहीं कर सकती। आई डोंट बिलीव, मुझे लगता है खवातीन हर काम कर सकती है, इतना पोटेंशियल है, अल्लाह ताला ने इतनी पोटेंशियल दिया है, यहाँ देख के अंदाजा होता है। अच्छा वो मैं देखता हूँ कराची हाँ। में जो खातून गाड़ी चला रही होती है वो तो ठोक देती हैं। लेकिन वो सब नहीं, आई डोंट बिलीव, क्योंकि मैं खुद भी एक ड्राइवर हूँ, हाईवे की ड्राइवर हूँ, मैं कहती हूँ ड्राइवर ना ड्राइवर होता है, वो मर्द और डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती उसमें, मैंने मर्दों को भी कंफ्यूज होते हुए गाड़ी ठोकते हुए देखा है। और आपको एक बात बताऊँ बड़े मजे की, कि ये बात साबित होती है कि मर्द ज्यादा एक्सीडेंट करते हैं औरतों के मुकाबले में, औरतें कम करती हैं। कमेंट आ जाएंगे जी, कमेंट इतने सारे हैं जी, खातून गलत कह रही हैं। बिल्कुल मैं कह रही हूँ, मैं आपको बताऊँ हाँ। मैंने ऐसे ऐसे मर्द देखे हैं कराची की सड़कों पे कंफ्यूज होते हुए, कि जब मैं उनको ओवरटेक करती हूँ समझ ही नहीं आती है कि हुआ क्या है ये हमारे साथ। तो ये एक अलग टॉपिक है, इस पर जरूर बात करेंगे, लेकिन अभी ये जो मनाजिर है ना, यकीन मानिए कि दिल को खुश करने के लिए और फखर करने के लिए इतने बड़े हैं ना, थर की एक शक्ल, एक पिक्चर जो हम बचपन से देखते आए। वैसे आपने ठीक कहा, ये जो सारी खवातीन यहाँ पे जो बड़े बड़े डंपर चला रही है, 25 खवातीन है, तो मतलब ये तो मेरे ख्याल है एक मैसेज है कराची हाँ। की खवातीन के लिए भी हाँ। कि वो मजबूत हो जाएं, उनको हाँ। ये नहीं है कि जी घर में बैठना है, मतलब अगर हाँ। वो कुछ करना चाहती हैं हाँ। तो वो कर सकती हैं। भाई मैंने कहा ना, खवातीन में अल्लाह ने इतना पोटेंशियल रखा है, तो वो हर काम कर सकती हैं अगर करना चाहें। देखिए इन खवातीन की जो ट्रेनिंग दी है ना, वो एक खातून ने दी है, एक खातून ट्रेनर ने इनकी ट्रेनिंग दी है। बहुत कोई सालों नहीं गुजर गए, कोई 10-20 साल नहीं होंगे डंपर चलाते हुए, कोई 19 से चला रही है,
कोई 20 से चला रही है, कोई 18 से चला रही है, लेकिन देखिए नजर लग रहा है आपको के देख के 3-4 साल पहले से डंपर चलाना शुरू हुई है। अच्छा ये आखिरी में ये मैसेज बताइएगा, आपने विजिट भी किया थरकोल मंसूबे को, आप क्या समझती है पाकिस्तान का गेम चेंजर ये मंसूबा साबित हो सकता है? हो सकता है अगर इस पर सीरियस होकर काम किया जाए, सिर्फ बातों की हद तक ना हो, ब्रीफिंग्स की हद तक ना हो। देखिए आपको पता है ना कि हमारा ज्यादातर हिस्सा जो है बिजली पैदा करने का इम्पोर्टेड कोयले से बन रही है या फर्नेस से बन रही है, कितनी महंगी बिजली बन रही है और उससे महंगी हम लोग खरीद रहे हैं। जो ये मंसूबा जो दिखाया गया, जो हमने देखा, अगर वाकई इस पर काम हो जाए ना सीरियसली होके, तो देखिए हमारी बचत कितनी होगी, जर मुबादला के जखायर कितने बचेंगे और ये मंसूबा वाकई हमारी मईशत के लिए गेम चेंजर साबित। क्या बात है जी, बहुत शुक्रिया जी, हमारी बड़ी अच्छी होती है। आपने अपना तारुफ नहीं कराया, मैंने आपसे पूछा ही नहीं, मैंने आपसे पूछा ही नहीं। मैं सुमैया रिजवान हूँ, एंकर पर्सन हूँ, बहुत सारे मीडिया चैनल से ताल्लुक रहा आजकल बोल के साथ। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए जी ये खवातीन है, दिखाने का मकसद ये है कि जी इतना बड़ा डंपर है, ये कराची में यारू खान चलाता है लेकिन यहाँ पर थरपारकर में ये खवातीन चला रही होती हैं। यहाँ पे देखिए ये सारी की सारी 25 खवातीन हैं, 2600 मेगावाट बिजली जो 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 नेशनल ग्रिड स्टेशन में जा रही हैं वो सारी की सारी सप्लाई में इन खवातीन का बड़ा अहम किरदार है। बाकी साथ ही मैं आपको ये बताऊँ, ये सामने ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा एक मंसूबा है जो कि थरकोल का एक बड़ा मंसूबा है। देखिए कितने स्मूथली ये गाड़ी चला रही हैं, कितने तरीके से गाड़ी चला रही हैं, मतलब कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है, क्योंकि बिल्कुल अब ये आदी हो चुकी हैं। अगर इनको अगर रश वाली जगह पे भी उतार दें तो ये वहाँ पर भी सुकून से जो है वो गाड़ी चला सकती हैं। बाकी यहाँ पे बहुत सारे मीडिया के नुमाइंदगान भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। थरकोल का ये मंसूबा है जो कि पूरे पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगा, मईशत का पहिया चलेगा इंशाअल्लाह इस मंसूबे से, और इस मंसूबे की तकमील से पूरे पाकिस्तान में जो है वो रोशनी होगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक शहर में रोशनी होगी, सोलर सिस्टम के ऊपर काम किया जा रहा है, इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, कोयले के ऊपर काम किया जा रहा है, कोयले से बिजली पैदा की जा रही है, ताकि जो हमारा ज़र मुबादला जो सबसे ज़्यादा हम जो डॉलर, आपको पता है कि जो एक तो वैसे ही हमारे ऊपर इतना कर्जा है, ऊपर से हम डॉलर दे के जो है वो, हालांकि अल्लाह ने पाकिस्तान को बड़ी बड़े ज़खायर से जो है वो नवाजा है, तो ये एक अच्छा हो गया कि थरपारकर में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जा रहा है, सड़कें बनाई जा रही हैं, ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं। आप थरपारकर हैं, आपको लगेगा ही नहीं, आपको जो तस्वीर दिखाई जाती है उससे बड़ा मुख्तलिफ थरपारकर हो गया है। मतलब आप ये देखें ना कि जितनी भी जो खवातीन हैं वो हम ये देखते हैं तस्वीरों में कि जी ये तो भूख से मर रही हैं, ओ भाई कोई भूख से नहीं मर रही, वो ये देखें ना आप, ये यहाँ पे जो है वो पूरे डंपर चला रही हैं, अपना मेहनत से काम कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, और हुकूमती सतह के ऊपर भी जो है वो इसके ऊपर बड़ा तेज़ी के साथ जो है वो काम चल रहा है। और इसका सबूत मैं आपको देने के लिए यहाँ पर पहुँचा हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ कि भाई कोई थरपारकर में इतनी सारी NGOs हैं जो पता नहीं कौन कौन सी तस्वीरें निकाल के जो है वो दिखा रही होती हैं और उसके बाद जो है वो पैसे बटोर रही होती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, सब कुछ अच्छा है। और यहाँ पर रमशा भी है, रमशा से भी पूछूंगा मैं कि रमशा के साथ एक और भी इनकी दोस्त हैं इर्ज़ा अभी यहाँ पे मौजूद है, तो ये बताइएगा ये ख़वातीन है मतलब माशाल्लाह से इतने बड़े बड़े जो है वो डंपर चला रही हैं, आप कराची की हैं तो आपने कभी इस तरह का डंपर चलाया? मोहसिन मैं तो जो है अपने आप को बहुत छोटा और कमतर महसूस कर रही हूँ यहाँ पर आकर, और ऐसा लगता है कि बहुत कुछ अभी और जिंदगी में सीखना बाकी है, खासतौर पर बहुत बड़ी लर्निंग है साथ साथ मेरी यहाँ पर आके। उसकी वजह यह है मोहसिन की, जब हम बात करते हैं ना वुमेन एम्पावरमेंट की और खवातीन के मजबूत होने की, खवातीन की कॉन्ट्रीब्यूशन की, तो मुझे यहाँ पर आके अंदाजा हो रहा है कि जब थर की खवातीन ये कर सकती हैं तो हम शहरी खवातीन जो कुछ कर रही हैं अपनी फील्ड में, बहुत थोड़ा कुछ, तो शायद वो वाकई बहुत थोड़ा है। क्योंकि ये काम आपको पता है, आप जानते हैं मोहसिन कि दुनिया भर में जो हाईली पेड जॉब्स हैं वो ट्रक ड्राइवर्स की हैं, और ये एक ऐसा स्किल है जो कि हाईली स्किल्ड लोगों में जिनका शुमार होता है। और ये जो ट्रैक्स अभी हम जिन सड़कों पर आपने दिखाया, आप तो डाले में पीछे बैठ के इंजॉय करते हुए आए हैं, तो मैं रश खा रही थी आप पर। लेकिन जो है क्या बात है कि देखिए आपने खुद रास्ते देखे मोहसिन, और कितने खतरनाक रास्ते हैं, जो माइंस में जाना और इतना लोड लेके हंड्रेड्स ऑफ टन्स का जो कोयला लेके जाना, ये एक आसान टास्क नहीं है। हम एक गाड़ी चलाते हैं तो कितना कॉन्शियस होते हैं, तो इनके लिए, और ये हम समझते हैं हम बहुत कॉन्फिडेंट खवातीन हैं जी, शहरी खवातीन हैं, नहीं, ये हमसे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, क्योंकि हम जो माहौल में जिस माहौल में पढ़े बढ़ते हैं, हमें अपने पेरेंट्स की सपोर्ट है, हमें अपने शौहरों की, भाइयों की सपोर्ट हासिल है। ये एक टोटली डिफरेंट इन्वायरमेंट सोट कराई है, जहाँ जी सिर्फ फसल से गाजर मूली निकाल लेना ही इनका काम रहा है, लेकिन अब ये एक ऐसा काम कर रही है कि शहरी खवातीन को भी इन्होंने पीछे बदल रहा है। आप क्या कहेंगे
जी आप खामोश खामोश है, रमशा ने सारी बातें बोल दी आपके। आई बिलीव के इनकी ट्रेनिंग बहुत ही जबरदस्त हुई है। किसी भी शहर में रहने वाली खातून से ज्यादा पॉजिटिव अप्रोच है उनकी। उनसे जो मैं बात करी थी तो दे हैड अ स्माइल ऑन देयर फेस कॉन्स्टेंटली, मतलब वो उनके फेस से नहीं जा रही थी। दे वर वेरी हैप्पी विद व्हाट दे आर डूइंग राइट नाउ। और ये बहुत ही मैस्कुलिन जॉब है ना, इतना बड़ा डंपर उठा के लेकर जाना, और मेरे जैसी खातून जो कि जरा सी ट्रैफिक ज्यादा हो जाए तो वो घबरा जाती है। तो वो जब देखती है इनको ये करते हुए तो इट्स अ होलसम एक्सपीरियंस फॉर मी टू वॉच, और मेरी बेस्ट विशेज इनके साथ है एंड आई बिलीव के ये बहुत आगे जाए। माशाल्लाह जी, इर्दा ने भी आपको बड़ी अच्छी अच्छी बातें की है। ये पूरा थर पार्कर में आपको पता है कि पूरा का पूरा थरकोल का एक बड़ा मंसूबा है। इस मंसूबे की सिर्फ बातें आप सुनते थे, मगर आज मैं आपको बराह रास्त दिखा रहा हूँ कि इस मंसूबे पर कितना कुछ काम हो रहा है, और इंशाल्लाह मुस्तकबिल आप देखेंगे कि ये बड़ा रोशन होगा मुस्तकबिल। पाकिस्तान की जो रोशनी है, सिर्फ कराची की रोशनियाँ नहीं बर्बाद हुई हैं, बल्कि पूरे पाकिस्तान की जो रोशनियाँ वो बर्बाद हुई हैं। पूरे पाकिस्तान की रोशनियों को बहाल करने में ये थर कोल का मंसूबा जो है वह अपना अहम किरदार अदा करेगा। अल्लाह हाफिज़।